हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो एक और भी बड़ी बेहतरीन समस्या पर आधारित है। आजकल जनरली देखा जाता है कि किसी को भी दो आदमी जब बातचीत करते रहते हैं, किसी को भी पेशेंस नहीं रहती कि दूसरे आदमी की बात पूरी सुनी जाए, और बिना पूरी बात सुने हुए लोग प्रत्युत्तर करने लग जाते हैं, बात बीच में काट करके या जैसे भी हो। इस टेंडेंसी की वजह से एक तो बात पूरी तरह से नहीं सुन पाते, और दूसरा कि सामने वाले की बात स्पष्ट रूप से बिना समझे प्रत्युत्तर करना सही उत्तर देने के लिए बिल्कुल ही मुफीद नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक आप प्रश्न नहीं सुनने और उत्तर देने लग जाएं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप बिना प्रश्न जाने और उत्तर देने लग जाएं। सामने वाले की बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टेंडेंसी बड़ों में भी है आजकल बहुत ज़्यादा। लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अभी एक बात पूरी नहीं होती तब तक दूसरी बात शुरू कर देते हैं सामने वाला, और इससे क्वारल होती है लोगों के आपस में। बातचीत जो एक मिनट में ख़त्म हो जाती है वो 10 मिनट तक चलती रहती है। वेस्टेज ऑफ एनर्जी के साथ साथ अननेसेसरी के पॉइंट्स इसमें रिलीज हो जाते हैं, अननेसेसरी की बातें इसमें निकल के आ जाती हैं, जिससे एक दूसरे के बीच में बिटरनेस हो जाती है। ये टेंडेंसी बड़ों से बच्चों में भी आजकल ग्रैब हो रही है, और बच्चे धीरे धीरे यही बात सीख रहे हैं। बच्चों की बात जब तक पूरी नहीं होती पेरेंट्स बोल पड़ते हैं। नतीजा ये कि बच्चों में भी इसी तरह के आदत डेवलप होते जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये है कि बच्चे स्कूल में भी जब क्लास में बैठे होते हैं तो वो भी किसी टीचर को अच्छी तरह से सुन नहीं पाते। जब तक पूरी बात सुनते नहीं तब तक उन्होंने अपने दिमाग में एक कंक्लूजन, एक एनालिसिस एक डेवलप कर लेते हैं, और चूंकि आधी बात सुन करके किसी एनालिसिस पर सही ढंग से पहुँचा नहीं जा सकता। नतीजा ये कि उनका दिमाग हमेशा कन्फ्यूजन में रहता है। तो सबसे पहले आजकल हर एक स्टेज के लोगों को, हर एक प्रकार के, हर एक उम्र के बच्चों को, हर एक प्रोफेशन में काम करने वाले लोगों को जरूरी है कि एक अच्छा श्रोता बना जाए, एक अच्छा लिसनर बना जाए। और अच्छा लिसनर बनने के लिए क्या करना होता है और इसके क्या फायदे हैं, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। अच्छा श्रोता ना होने के क्या क्या नुकसान है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहले यही बात कर लेते हैं कि अच्छा श्रोता न होने के कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। एक स्टूडेंट के लिए अच्छा श्रोता न होने के कारण यह है कि वो बार बार एक ही चीज को पूछता है, और बार बार एक ही चीज को पूछता है इसलिए सामने वाले टीचर भी इरिटेट हो जाते हैं, सामने वाला लोग भी इरिटेट हो जाता है, क्लास के कॉलिग भी इरिटेट हो जाते हैं। बच्चा अगर पूरी कंसंट्रेशन से एक बात को नहीं सुनता तो उसके मन में तुरंत एनालिसिस होती है, आधी बात की एनालिसिस होती है जो पूरी रिजल्ट तक, पूरी परीक्षा फल तक नहीं पहुंच सकती। नतीजा ये है कि वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, और आदतन ये आदत धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है जब उसे कुछ समझ नहीं आता। हर एक एक बात पे वो डाउट करने लग जाता है, हर एक एक शब्द पे डाउट करने लग जाता है। एक वाक्य अभी टीचर बोला नहीं कि वो हाथ उठा के खड़ा कर देगा कि मुझे डाउट है। ऐसी प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है कि उसका कोई भी वाक्य अधूरा ही रहता है, और हर एक वाक्य पर उसके पास 4 प्रश्न होते हैं। मैंने क्लास में देखा है कई बार बच्चे, चेहरे से पता चलता है, हम लोग तो इतने दिन से पढ़ा रहे हैं तो पता चलता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जब टीचर बोल रहे होते हैं तो वो सुनने के बजाय उसके दिमाग में एक पैरेलल क्वेश्चन चलता रहता है कि हम कैसे इनको इनकाउंटर करें और कैसे काउंटर क्वेश्चन पूछें। जो बात कहा जा रहा है क्लास में वो समझ नहीं पा रहा, लेकिन उसके काउंटर क्वेश्चन पूछने के लिए उसके दिमाग काम कर रहे हैं लगातार। नतीजा ये होता है कि उस काउंटर क्वेश्चन में वो लच के रह जाता है, और जो मूलभूत बातें कही गई वो उसका दिमाग कैच ही नहीं कर पाता। नतीजा जो पढ़ाया जा रहा था वो तो समझा नहीं। नतीजा काउंटर क्वेश्चन करने के चक्कर में कई सारे मिसकंसेप्शन डेवलप हो जाते हैं दिमाग में, और वहीं धीरे धीरे स्टोर हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा श्रोता बना जाए।
अच्छा श्रोता बनने से क्या फायदे होंगे? अच्छा श्रोता बनने का मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि क्वेश्चन न पूछें, अपने डाउट्स क्लियर न करें, ये सारे करने चाहिए, लेकिन सबसे पहले अच्छा श्रोता बनने के लिए कुछ आवश्यक अपने आप में बदलाव करने की जरूरत है। आवश्यक बदलाव अपने आप से शुरू करने की जरूरत है। अगर आप अपने आप में आवश्यक बदलाव करेंगे तो आप अच्छा श्रोता बन सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि जब भी आप होंगे तो बातचीत न करें। जहां पर भी बैठे हैं, अगर क्लास में बैठे हैं और दो चार लोगों से आसपास बैठे हैं, उन लोगों से बातचीत ना करें। आप सबसे पहले सुनने के मूड को, अपने फिजिकल मूड को, माइंड को ट्रेन करें कि मैं सुनने आया हूं, मैं बात करने नहीं आया हूं, मैं सुनने आया हूं। पहले ये चीज ज्यादा जरूरी है। स्टॉप टॉकिंग, आप सुनने के लिए आए हैं, इस बात के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करें। और सामने वाला जो वक्ता है वो कुछ बेहतर बोलने वाला है जिसे आप सुनने आने वाले हैं। ये इंथुजियाज्म, ये पैशन, ये एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। और ये एक्साइटमेंट समय के साथ धीरे धीरे बढ़ते जाना चाहिए। जैसे ही कुछ नई बात आए दिमाग में, आपके दिमाग में उनकी, आज मुझे कुछ नया मिलने वाला है, आज टीचर, आज ये वक्ता, सामने वाला प्रोफेसर, सामने वाला टीचर, सामने वाला लीडर कुछ नया बोलने वाला है, जो इससे मेरी जिंदगी में कुछ नया एडिशन होने वाला है। और ये जैसे ही दिमाग में आएगा, आपका कंसंट्रेशन, आपकी एनर्जी, आपका पैशन एक अलग एनर्जी लेवल पे काम करेगा। आप सुनने आए हैं, आपको कुछ नया मिलने वाला है। जैसे ही कोई चीज नई मिलेगी, आपका दिमाग उसे तुरंत स्टोर कर लेगा, ग्रैब कर लेगा। जब सामने वाले की बात पूरी हो जाए तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, बट जब तक सामने वाले की बात पूरी ना हो, कभी भी किसी भी लेवल पे, चाहे घर में, बाहर में, परिवार में, स्कूल में, कॉलेज में, दोस्तों के बीच, बात काट करके किसी की और बीच में अपनी बात नहीं बोलनी चाहिए। मैं अभी हाल ही में एक सेमिनार में लखनऊ गया था और वहां देखा कि जब मैं बोल रहा था एज ए वक्ता, एज ए स्पीकर, तो दो चार महिलाएं जो बैठी थी वो अपने सेल फोन पे व्हाट्सएप चैट कर रही थी या फेसबुक वगैरह देख रही थी। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप जब तक दूसरी डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे तब तक पहली डायरेक्शन में सुन नहीं रह पाएंगे। जो वक्ता कह रहे हैं वो आपके दिमाग में जाएगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं था कि मैं बहुत खराब बोल रहा था इसलिए वो लोग इंटरेस्ट ना होकर के उधर लगी हुई है, ऐसा नहीं था। ऐसा होता तो हॉल में बैठे सैकड़ों लोगों में से सब लोग ऐसा कर रहे होते, लेकिन चूंकि दो चार लोग ही ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि जो मैं बोल रहा था उसमें दम नहीं था या वो उनकी जरूरत की नहीं थी, या हो सकता है कि वो पहले से जानती हों, ये संभावनाएं हो सकती है। फिर भी अगर आप सुनने आए हैं तो आपको लूज डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखने चाहिए, लाइक सेल फोन, कंप्यूटर, बार बार की आदत एक बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल हैबिट है जो बार बार लोग पॉकेट में हाथ डाल के देखते रहते हैं, कहीं मोबाइल बजा तो नहीं, कहीं किसी का मिस कॉल तो नहीं, कहीं हमारे वो फेसबुक पे कोई मैसेज तो नहीं आया, कहीं व्हाट्सएप पे कोई नया न्यूज तो नहीं आया, कोई नई जोक्स तो नहीं आई। ये एक बीमारी है, ये एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है जो कि समाज में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके ऊपर हावी होते जा रहा है। इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, इससे बचने की जरूरत है। तो लूज डिस्ट्रैक्शन जो भी आपके दिमाग में हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, पहले उसको दूर करके इस मोटिव से बैठें, इस अवस्था से बैठे, इस मेंटालिटी से बैठें कि आप सुनने आए हैं और आपको कुछ नया जरूर मिलने वाला है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, आजकल देखा जा रहा है, मैं क्लास में भी महसूस करता हूं, क्योंकि बड़े बच्चे भी पढ़ाते हैं हम लोग और छोटे बच्चे भी कई बार कंसर्न में आते हैं, जहां तक सेमिनार के कंसर्न में बड़े लोग भी आते हैं। कई बार लोग अपनी मन स्थिति ये पाल लेते हैं कि ये जो सामने वाला आदमी है इससे मैं ज़्यादा विद्वान हूँ, मैं ज़्यादा जानकार हूँ, मुझे ज़्यादा आता है। इवन स्टूडेंट्स के मन में भी कई बार आता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। ऑफ कोर्स सिविल सर्विसेज की क्लास लेने के दौरान मैंने देखा है
और कई सारे टीचर से इंट्रैक्शन करने पे पता चलता है कि बच्चा पहले से लगता है कि भाई चूंकि मैं इस सब्जेक्ट में MSc हूँ, MA हूँ, PhD हूँ, MPhil हूँ, तो मैं इस टीचर से इस विषय में हो सकता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँगा। मैं ITN हूँ तो मैं CSAT वगैरह की क्लास तो बहुत आसान सी है, इसमें तो मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो जो कुछ जानता है वो बहुत कम है और जो जानने की ज़रूरत है वो नहीं जानता है। तो ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक उस सुनने की मुद्रा में होगा, जब तक एक अच्छे श्रोता की तरह ट्रीट करेगा, जब तक वो अच्छे श्रोता की तरह बिहेव करेगा। अगर पहले से मन स्थिति में आपके परिपक्व रूप से कुछ ना कुछ भरा हुआ है तो नई बातों की एंट्री हो नहीं सकती। इसलिए आप जब भी जाएं कहीं सुनने के लिए तो अपने आप को समर्पित कर दें। 10 मिनट के लिए आप बैठे हैं, 1 घंटा के लिए बैठे हैं, आधे घंटे के लिए बैठे हैं, कम से कम 10-15 मिनट, क्योंकि आप 1 घंटा ट्रैवल करके क्लास करने गए हैं, आधे घंटे ट्रैवल करके क्लास करने गए हैं, कोई प्रवचन ही सुनने गए हैं, कोई आदमी का नेता का भाषण ही सुनने गए हैं, आपने इतने मेहनत करके अगर गए हैं तो 15 मिनट अपने आप को उस कॉन्फिडेंस से समर्पित कर दीजिए कि सामने वाला आपसे बेहतर है वो, और आपको कुछ न कुछ नया जरूर देगा। अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं सुनना, वहां से चले जाना, ये तो आपके बस है, कोई जबरदस्ती किसी को सुना तो सकता नहीं है। लेकिन 15 मिनट अगर आप अपने आप को डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी डिवोशन के साथ उसको समर्पित करते हैं, उसके बातों को समर्पित करते हैं, तो आप अंदाजा लगा पाएंगे निश्चित रूप से कि जो कहना चाह रहा है वो सही है या गलत है। इसमें पूर्ण रूप से आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि जो बात कह रहा है उसका सारांश क्या है, उसका सापेक्ष क्या है और उसका महत्व क्या है, आपके जीवन में कुछ काम का महत्व है कि नहीं है। अगर महत्व है का है तो उसे ग्रैब कर लीजिए, महत्वहीन है तो छोड़ दीजिए। एक बच्चा, बहुत छोटा बच्चा, पेरेंट्स उसके या बड़े कोई ऊपर आसमान में उछाल देते हैं, बच्चा खिलखिलाता रहता है, क्यों? उसको कॉन्फिडेंस है कि सामने वाला मुझे पकड़ ही लेगा। उछल लेने के बाद भी वो मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, उसको ये डर नहीं है कि मैं जमीन पे गिर जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। उसको पता है कि जिसने उछाला है उसको कॉन्फिडेंस है कि वो पकड़ लेगा, और उस बच्चे को भी कॉन्फिडेंस है कि पकड़ लेगा। तो बच्चों को आजकल देखता हूं मैं, और ये सलाह देना चाहता हूं कि आप जिस किसी भी टीचर के, जिस किसी भी गुरु के, जिस किसी भी ट्रेनर के गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, या तो पहले जांच पड़ताल करके पढ़ें कि ये ट्रेनर अच्छे हैं, ये गुरु अच्छे हैं, ये टीचर अच्छे हैं या नहीं है, इनके विषय वस्तु पर कितनी पकड़ है, और एक बार अगर आप गए तो उस पर ट्रस्ट करें, जो कह रहा है उसको सुने, अपने आप को उसी बच्चे की तरह उसको समर्पित कर दें जिस तरह से बच्चा सामने वाले जो उछालने वाले को समर्पित अपने आप को कर रखा है, आप भी उस टीचर, उस गुरु, उस प्रोफेसर, उस कोचिंग के लिए समर्पित कर दें। जब तक आपने एडमिशन लिया है और समझा है, ट्रेनिंग पर पूरा विश्वास करें, उसकी जो कही गई बातें हैं उस पर विश्वास करें। मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे टीचर पढ़ा रहे हैं कुछ और उसका दिमाग चल रहा है कहीं और, पढ़ रहा है कहीं और, नोट्स इकट्ठा कहीं और करने से लगा हुआ है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान कम है, जो नहीं पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान ज़्यादा है, और इन सब का नतीजा ये होता है कि उसकी ट्रेनिंग कभी भी पूरी नहीं होती, हमेशा उसकी ट्रेनिंग, उसकी कोचिंग, उसकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ अधूरी रह जाती है। तो अगर आपने एक बार किसी सामने वाले को सुनने के लिए गए हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें और जो कह रहा है उसको सुने। आधे घंटे, 1 घंटे सुनने के बाद निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना परसेंट काम की है, कितना परसेंट काम की नहीं है, जो कह रहा है वो सही है कि गलत है। अगर उसमें से 25% भी आपके काम की है तो मेरे ख्याल से आपको सुनना चाहिए। खैर, ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आपको कितना परसेंट पे सुनना चाहिए, कितना परसेंट पे नहीं सुनना चाहिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि
अगर एक चौथाई नॉलेज भी आपके काम का है तो वो तीन चौथाई को बाकी जो आपके काम का नहीं है उसमें भी प्योरीफाई करेगा, उसमें भी रचनात्मक सहयोग देगा और उसमें भी डेवलपमेंट होके रहेगी। जो आप पहले से जानते होंगे उसमें भी जरूर किसी न किसी तरह से रचनात्मक सहयोग होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति पैदा करने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि जो भी सामने वाला बोल रहा है उसको पहले बोलने देना चाहिए। जब वो स्टॉप कर ले, अपनी बात पूरी कर ले, तब आप अपने पॉइंट्स रखें। दूसरी, जब कोई बोल रहा है उसकी बात अगर आपको समझ नहीं आई तो उस लाइंस को रिपीट खुद मत करें, उन्हीं से रिक्वेस्ट करें, सामने वाले से रिक्वेस्ट करें कि मैं आपकी बातों को का यथार्थ समझ नहीं पाया, कृपया इस पे दोबारा प्रकाश डालें, दोबारा इसे बताएं। तो सामने वाला जरूर बताएगा, उसको बताने में खुशी होती है, किसी को तकलीफ नहीं होती, दोबारा क्लेरिफिकेशन में कोई किसी को दिक्कत नहीं है। इसलिए प्रश्न पूछें, जरूर पूछें, लेकिन बात पूरी होने के बाद पूछें। अगर किसी तरह की क्लेरिफिकेशन की जरूरत आपको महसूस हो रही है तो प्रश्न पूछें। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न मत पूछें, आपको कुछ प्रश्न पूछने की जरूरत है नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्लास में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, 10 लोगों के बीच में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए अननेसेसरी क्वेश्चन से रेज करते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बनती नहीं है, उनका रिपुटेशन बनता नहीं है, बल्कि अलबत्ता लोग हंस पड़ते हैं और वो एक हास्य का पात्र बन जाता है। इसलिए क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछना है, क्वेश्चन इसलिए पूछना है कि कोई डाउट है, कोई क्लेरिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है। तो रिपीटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर जब आप अच्छे श्रोता हैं तो बीच बीच में आपको फिजिकल रिस्पॉन्स देना चाहिए, बॉडी के जरिए कि आप आंखों की पुतलियों के जरिए इशारा कर सकते हैं, सिर हिला के इशारा कर सकते हैं, यस हाँ इस तरह का कुछ इशारा करके आप लोगों को बता सकते हैं कि आप समझ रहे हैं। ये नॉन वर्बल टॉकिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सबको, सामने वाले को, बोलने वाले को इस तरह के रिस्पॉन्स की जरूरत होती है। जिस प्रकार से एक स्टूडेंट को अच्छे टीचर की जरूरत होती है, एक टीचर को भी अच्छे स्टूडेंट की, अच्छे श्रोता की जरूरत होती है। और आप अपनी बीच बीच में प्रेजेंस दिखाएं अपनी बॉडी लैंग्वेज से कि आप समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। इस तरह के इशारे आपको लगातार सिस्टम में, बातचीत में, कम्युनिकेशन में बनाए रखेगा और इस तरह से आप उसमें बने रहेंगे। जैसे ही आपका बॉडी लैंग्वेज कहेगा कि आप नहीं समझ पा रहे हैं बिना बोले, सामने वाले वक्ता को लग जाता है कि शायद मेरी बात सामने वाले लोग अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं, ये पर्सन पर्टिकुलरली अच्छी तरह से नहीं समझ पाया है, तो खुद ब खुद अपनी बात को दूसरे तरीकों से, दूसरी वाक्य से, दूसरे उदाहरण से, दूसरे स्टोरी से फिर से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है, फिर से समझाने की कोशिश करता है। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, आप सब्सिडियरी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, आप अपने डाउट क्लियरी के लिए क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इंतजार कीजिए। इसके लिए वक्त सब लोग देता है कि कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। इस तरह से तीसरी बात, जब भी आप सुन रहे हैं तो आसपास के लोगों से बिल्कुल इंट्रैक्ट ना हो, आप ऐसा ट्रीट करें कि आप पूरी जहां में यहां अकेले बैठे हैं और सामने वाला सिर्फ आपके लिए बोल रहा है, हजारों लोगों के लिए नहीं, वो सिर्फ आपके लिए बोल रहा है और आपके आसपास कोई भी नहीं है। किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रखिए, किसी भी तरह का किसी से कोई वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आसपास वालों से न करें। आप पूरी तरह से फोकस रहें कि सामने वाला जो बोल रहा है वो आपके लिए बोल रहा है, सिर्फ आपके लिए बोल रहा है। और आपको अगर समझ आ रही है तो आप अपने फिजिकल प्रेजेंस से, बॉडी लैंग्वेज से रिस्पोंड करें, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी इस तरह से रिस्पोंड कर सकते हैं, और जब बात खत्म हो जाए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा, नॉन सेंसिटिव और नॉन वर्बल टॉकिंग से बचें। जब आप किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसमें इन दो बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी है।
इससे क्या होगा, इससे रचनात्मकता बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है। नॉन वर्बल लैंग्वेज हमेशा यूजफुल नहीं होता, समटाइम्स आपको नॉन वर्बल लैंग्वेज आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिंग सिचुएशन में डाल सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज सुनने के बींग ए गुड लिसनर कैसा होना चाहिए, आपका फिजिकल प्रेजेंस कैसा होना चाहिए और आपके साथ ऐसी कोई इंटरनल या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होनी चाहिए जब आप सुन रहे हों। आपके दिमाग पूरी तरह से खाली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिमाग में पहले से कई सारी बातें चल रही हो और आप सुनने के लिए बैठे हैं, बैठे तो हैं फिजिकली वहाँ पे लेकिन दिमाग आपका कहीं और है इसलिए आप सुन नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति में कुछ भी आपके दिमाग में जाएगा नहीं और कन्फ्यूजन हमेशा रहेगी ही रहेगी। इसलिए मैं बच्चों से पर्टिकुलरली आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग जब भी क्लास में हों तो अच्छी तरह से सुने। सुनने के लिए जरूरी है कि दिमाग पहले से पूरी तरह से फोकस रहे, दिमाग में कोई भी बैरियर न रहे, कोई फिजिकल परेशानी न रहे और तब आप जब बैठ के सुनेंगे तो एक बार में कही गई बात आपके दिमाग और दिल पर पूरी तरह से असर डालेगी और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी तक चला जाएगा। आपको दोबारा इवन रिविजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब ये सारे दिक्कतें रहेगी, कम्युनिकेशन बैरियर्स रहेंगे, फिजिकल लेथार्जिनेस रहेगी और आपके इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल फैक्टर, डिस्ट्रैक्शंस ये सारे रहेंगे तो आपको 100% इनपुट लेने में दिक्कत होगी और आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। और एक बार कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो चाहे जितनी बार एक्सप्लेनेशन दी जाए कई बार वो क्लियर इतनी अच्छी तरह से नहीं होती जितना पहली बार में वो अच्छी तरह से समझ में आ जाने से होती है। पहली बार अच्छी तरह से समझ में आ जाने पर वो चीज़ सीधे लंबे समय तक याद रहती है, उसी स्वरूप में रहती है और उसमें दो चार बार रिपेयरिंग की, दो चार बार पूरक प्रश्न पूछ लेने के बाद प्रश्न उस समय तो समझ में आ जाती है, बात उस समय समझ में आ जाती है, तथ्य उस समय समझ में आ जाते हैं लेकिन दो चार पांच दिन बाद उनमें इतना घालमेल हो जाता है कि फिर उसे रिकॉल करना मुश्किल होता है। इसलिए जरूरी है कि पहली बार में ही उसे सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज दिया जाए और ताकि दोबारा जरूरत न पड़े और उसमें बहुत ज़्यादा तथ्य उलझ न जाएं जिससे कि बाद में आपको उसको फिर से रिप्रेजेंट करने में परेशानी हो। आई होप आप जहाँ भी हों, या ऑफिस में काम कर रहे हैं, या क्लास में काम कर रहे हैं, या पढ़ रहे हैं, या कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, अपनी लिसनिंग हैबिट को अच्छी तरह से बनाएंगे तो सामने वाले पर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप अपने बॉस को सुन रहे हैं, आप अपने टीचर को सुन रहे हैं, आप अपने मालिक को सुन रहे हैं, आप किसी को भी सुन रहे, अपने जूनियर कॉलीग को भी अच्छी तरह से सुन रहे हैं, बहुत बेहतरीन प्रभाव पड़ेगा सामने वाले पे। आज से करके देखिए, आपको खुद ब खुद इसका फायदा लगेगा, आपको महसूस होगा कि आप बहुत बेहतर कर रहे हैं। अगर आप एक जूनियर कॉलीग का भी, सीनियर कॉलीग का भी, किसी का भी, साथ वाले का भी अगर बात पूरी सुनते हैं तो आप निश्चित रूप से उस बात को समझकर बिल्कुल सटीक उत्तर दे पाएंगे और आपके समय की बचत भी होगी। ठीक है विद्यार्थी, अगर ठीक से सुनेंगे तो याद हो जाएगा और फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कम समय में ज़्यादा काम। आई होप ये सब चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, इसलिए आप एक अच्छे लिसनर की भूमिका निभाएंगे और अगले वीडियो में कही गई बात को फिर से सुनने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।